अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन आपका स्वागत करती हूँ क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी है अंजलि और शानू की। दो मासूम बच्चियां कैसे जुर्म की गिरफ्त में आ गई, आइए देखते हैं। दीदी और कितनी देर? बुक तो करिए क्या, बस आने वाली होगी। शायद यही तो नहीं है। OTP दीजिए। हाँ, 9695। नाहर रोड पे छोड़ना है, वही ले चलो। लेकिन वो तो बड़ा सुनसान एरिया है। पर हमें वहीं जाना है, आप चलिए। लो, इससे पहुंच दो। ये आइसक्रीम गिर रही है ना हाथ और सीट दोनों पे। अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। आप चलिए, हमें लेट हो रहा है। हालिया तो बता दे, मैं फेंक देती हूँ। देख, दीदी हमें पापा को बिना बताए इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। कैसी बातें कर रही है, अगर पापा को बताते तो क्या वो आने देते अर्पण से मिलने के लिए? और वैसे भी मुझे ना अर्पण से मिलना ही है, मुझे देखना है कि वो असली में कैसा दिखता है, कि वो कौन है। और वैसे भी एक ही घंटे का तो रास्ता है सीहोर का, शाम की बस पकड़ के आ जाएंगे तो ठीक है ना। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। यही है नाहर रोड। कितने पैसे हुए? 100 रुपए। दीदी मेरा ही नहीं है। सॉरी सॉरी, ये लीजिए। पापा को बिना बताए आए? आपसे मतलब? चल छानू। दीदी ये कैसी अजीब सी जगह मिलने बुलाया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे ये लॉक लगा हुआ है इस पर, ये अंजलि और शानू स्कूल से नहीं लौटे गए अभी तक। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। इंटरनेट ने हमारी दुनिया को बहुत ही छोटा बना दिया। अब टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी किसी से भी आसानी से संपर्क कर सकता है। ये बात जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी। अंजलि और शानू बिना किसी को बताए एक अनजान इंसान से मिलने चली गई, लेकिन अब अंजलि का फोन बंद है। सोचो तो ये स्थिति कितनी डरावनी है। दो बच्चियां अनजान शहर में अकेली,
उनसे संपर्क करने का एकमात्र साधन फोन, वो भी बंद है। या अंजलि और शानू इस वक्त अर्पण के साथ है या फिर कहानी कुछ और ही है, चलिए देखते हैं। यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है। क्यों बेटा, तुम रो क्यों रही हो और यहाँ अकेले किसका इंतजार कर रही हो? पहचाना नहीं मुझे? अरे अभी तुम मेरी गाड़ी में आई थी। अंकल, मेरी दीदी पानी लाने गई थी, बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आए। दीदी अभी तक घर पर मिलने नहीं आया और ये कैसी जंगल जैसी जगह पर बुलाया है। दीदी जब बहुत जोर से प्यास लग रही है। यहाँ कोई तो दुकान होगी, इस तरफ से तो हम आए थे, यहाँ तो नहीं थी, शायद इस तरफ आगे कोई होगी। चल हम पानी पी के आते हैं। नहीं दीदी, मेरे पाँव बहुत दुख रहा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तू यहीं पर बैठ, तब तक मैं आगे जाके देखती हूँ कोई दुकान है तो पानी लेके आती हूँ। लेकिन तू यहीं बैठना समझी, यहाँ से कहीं मत जाना। हाँ दीदी अब जल्दी आना। हाँ उनके दोस्त ने मुझे यहाँ मिलने बुलाया था। और तुम दोनों आ गए? अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, अंकल प्लीज उनको ढूंढ दो प्लीज। अरे बेटा तुम्हारी दीदी ने ही भेजा मुझे। चलो चलो बेटा रो मत, हाँ बैठो, चलो उधर उधर से बैठो। अच्छा हाँ बेटा चल रहे हैं, सीट बेल्ट लगा दो, लगा लो। पापा की बात नहीं मानना, मोबाइल फोन पे चैटिंग करना, हैं? ये आता है आप? सॉरी सॉरी अंकल, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई अंकल, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो।
अंकल अंकल प्लीज मुझे जाने दो, मेरी जानू है, पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा, मुझे उससे मिलना है, पापा भी परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो अंकल। तुम अपनी बहन से मिलना चाहती हो? हाँ। तो तुम्हें अनुशासन सीखना होगा। अब जानते हो जानू का है वो किस हाल में? अंकल अंकल प्लीज प्लीज मुझे मेरी बहन जाने से एक बार मिला दो अंकल प्लीज। अब जो बोलोगे मैं करूंगी, मैं सब अनुशासन सीखूंगी, अब जो सिखाओगे मैं सीखूंगी, पर मुझे प्लीज मेरी बहन से मिलवा दो, उसको सजा मत दो, मेरे को सारी सजा दे दो। कुछ करोगे? अब जो बोलोगे मैं करूंगी। तो मेरे इन टायरों पे धूल जम गई है, जरा इसे साफ कर दो। मैं अभी करती हूँ साफ, मुझे मेरी बहन चालू से मिलवा दो, अब जो काम बोलोगे मैं करूंगी अंकल, मेरे अंकल 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 प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलवा दो। अंकल कहेगी अंकल अंकल प्लीज अंकल सारी शर्ट गंदी कर दी। अंकल अंकल प्लीज अंकल अंकल मुझे मेरी बहन से मिलवा दो अंकल, आप जो बोलोगे मैं करूंगी, मुझे मेरी बहन से मिलवा दो एक बार, पता नहीं वो किस हाल में होगी अंकल, ये मेरी बड़ी बेटी अंजलि है रे छोटी शानू, मैंने स्कूल में आस पड़ोस में रिश्तेदारियों में दोस्तों से सब जगह पूछ लिया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा मेरी बच्चियों का। सर इनके पास किसी के पास मोबाइल है? हाँ सर मेरी बड़ी बेटी अंजलि के पास है, लेकिन वो बंद आ रहा है सर, प्लीज सर मेरी बच्चियों को ढूंढ दीजिए, वो कहीं किसी मुसीबत में ना हो सर। प्रवीण एक काम करो, इनसे ये फोटो लो, सब जगह सर्कुलेट करवा दो और अंजलि का फोन ट्रैकिंग पे डालो। जी सर। सर मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना? अब चिंता मत कीजिए, हम उनको ढूंढ लेंगे, अब इनके साथ जाके डिटेल लिखवा दीजिए। क्या हो गया, रुक क्यों गई, कितना हुआ? 120। और कितना बोला था? 200। तो फिर रुक क्यों गई? मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं। अच्छा पाँव दुख रहे हैं। तुम्हारा गलती नहीं होगी। जो बच्चे अनुशासन में नहीं रहते, अपने पिताजी की बात नहीं मानते, उन्हें ऐसे ही सजा दी जाती है ताकि वो दोबारा गलती ना कर सकें। सॉरी अंकल, तुम्हारा गलती नहीं होगी। इधर आओ। नहीं। डरो मत, आओ बैठो। भूख लगी? मुंह खोल। नहीं मुझे दीदी के पास जाना है। खोल मुंह खोल। मुझे दीदी के पास जाने दो प्लीज। दीदी गंदी आदतें बच्चों की जिंदगी खराब कर देती है। पापा से झूठ बोलना, उन्हें बिना बताए बाहर आना, सिनेमा देखने जाना, ये सब गंदी आदतें होती हैं। मुझे दीदी के पास जाना है। जब तक तुम्हारी सारी गंदी आदतें छूट नहीं जाती, तुम यहीं रहोगी। आवाज नहीं करना। हाँ नीलिमा।
कल। भारी बैग क्यों उठा रखा है? हैं? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आ जाता बस स्टॉप पे। हैं? आओ। एक बात कहें आपसे? हाँ। हम दोनों ने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। और तुम्हारा सफर कैसा रहा? ये क्या नीलिमा, इतनी दूर से चल के आई हो, कितनी गंदगी होगी तुम्हारे इन कपड़ों पे। और तुम आगे सीधी सोफे पे बैठ गई, जाओ बाथरूम में जाके हाथ पांव धो। ये तुम्हारी साड़ी पे दाग कैसा? ये वो आते में लस्सी पी रही थी ना, तो थोड़ी सी गिर गई, जरा सा दाग निकल जाएगा। लस्सी गिर गई और तुम आके सीधी सोफे पे बैठ गई, जाओ साड़ी चेंज करो जाके। थोड़ी देर में कर लूंगी। तुम्हें बोला ना मैंने, चेंज करो जाके। जा रही हो? वो ऊपर से कुछ आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसा कोई है। कोई नहीं है वहां पे। तुम इस हालत में सीढ़ियां चढ़ रही हो, चलो आप नीचे आराम से। तो कुछ नहीं है वहां पे, चलो। क्या हालत बना ली है तुमने? अच्छे बच्चों को ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए? अच्छे बच्चों की तरह ही रहना चाहिए। शैतान और बदमाश बच्चों से मुझे सख्त नफरत है, ठीक है? जिद्दी, बदतमीज, इन बच्चों को सीधा करना मुझे अच्छे से आता है, समझे? मेरे लौटने से पहले ये सब कुछ व्यवस्थित हो जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, सब ठीक हो जाएगा।
मैं बिल्कुल अब ऐसे ही करूंगी। प्लीज मेरे मुंह पे टेप मत लगाइए, मुझे स्टमक प्रॉब्लम है, मुझे सांस नहीं आती। एक शर्त पे, आवाज नहीं करोगी? हाँ पक्का, आवाज नहीं आएगी मेरी, नहीं आएगी। शानू बेटा, ऐसे बिना बताए मार्केट में नहीं जाते। पापा, वो कैंडी वाला जा रहा था और मुझे कैंडी खाने का बहुत मन था, इसलिए मैं उसके पीछे चली गई। अरे बेटा, आपको कैंडी चाहिए था तो मैं ला कर देता है? अगर आपको कुछ हो जाता तो वो तो मैं वक्त पे आ गया, आपको ढूंढ लिया। और अंजलि बेटा, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था ना, शानू आपके साथ गई थी ना। सॉरी पापा, आगे से ध्यान रखूंगी पक्का। सॉरी पापा। हाँ पता है मुझे, मेरी बेटियां सयानी होगी। अच्छा अपने पापा से वादा करो, अब बिना बताए कहीं पे भी नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। हाँ। सॉरी पापा, अगली बार ऐसे करते नहीं करोगे प्लीज पापा, आज मुझे बचाने आ जाओ, अगली बार ऐसे कभी नहीं करोगे पापा। चलो मैं निकलता हूं। प्रथमेश जी, उस दिन 2 बजे तक भोपाल में फोन चालू था, उसके बाद से बंद है। लेकिन भोपाल में तो हमारा कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला भी नहीं रहता। तो फिर अंजलि वहाँ गई क्यों, और क्या वो शानू को भी साथ में लेके गई? हमारे पास कुछ और नंबर भी हैं, उनमें से एक नंबर उस कैब ड्राइवर का है जिसके साथ अंजलि की आखिरी बार बात हुई थी। भोपाल पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है। मुकेश का घर है? जी उन्हीं का घर है। क्या वो कैब चलाते? जी हाँ वो कैब चलाते, लेकिन अभी घर पर नहीं है। कहाँ गए वो? वो ये लीजिए आ गए। बोलिए सर, कैसे आना हो? 2 दिन पहले अंजलि और शानू नाम की लड़की को आपने नाहर रोड पे छोड़ा था, उसी दिन से वो दोनों गायब है। क्या तुम उनके बारे में जानते हो? छोड़ा जरूर था सर, लेकिन फिर अगले पैसेंजर को लेके मैं निकल गया। इसके अलावा तो मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी सर गैरेज में। क्यों यहाँ नहीं रखते? सर आप देखिए ना, यहाँ कहाँ जगह रखने की। ठीक है, अपनी सारी जानकारी मुझे दो, अगर पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा तो आपको आना पड़ेगा। फोन नंबर? ठीक है। चल चल, कुछ नहीं हुआ है। ये कहानी चूहे बिल्ली के खेल जैसी बन गई है। अपराधी मुकेश पुलिस के सामने होते हुए भी इतना चालाक है कि पुलिस के हाथ उसका कोई सुराग नहीं लगा है। मुकेश जितनी आसानी से इन बच्चियों को छुपाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, लगता नहीं कि उसकी ये सनक नहीं है। मुकेश के इस घिनौने चेहरे के पीछे राज क्या है? मुकेश आखिर इन बच्चियों को प्रताड़ित क्यों कर रहा है, और आगे इन मासूमों के साथ क्या करेगा, किसे पता। Thank you.
नीलिमा जी, क्या है ये? कितनी बार तुम्हें बोला हुआ मैंने कि बिंदी यहां मत लगाया करो, दिमाग में नहीं घुसती तुम्हारी कोई बात? और ये शर्ट, सही नहीं धुली है, इस पे ये देखो दाग है, धोने से भी नहीं जाएगा, फेंक दो इसे। एक बात बताइए, आज पुलिस क्यों आई थी घर पर? पुलिस क्यों आई थी मतलब क्या है? मैं रोज कई लोगों को लाता ले जाता हूं, अब किसी के साथ कुछ हो जाए तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है? और वो ऊपर स्टोर रूम में ताला क्यों लगा रखा है आपने? चूहे हो गए हैं, मोटे मोटे चूहे, वो घुस जाते हैं, इसलिए। तुम खामखाम उस पे शक कर रही हो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, बस थोड़ा डर लग रहा है। पूरे 6 साल बाद हमारे घर में ये खुशी आई है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी कारण से हमसे ये खुशी छिन जाए। देखो, जो 6 साल पहले हुआ ना, वो एक एक्सीडेंट था। अब बार बार उसे दोहराने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अब ये जो नया आने वाला है, इसे अनुशासन सिखाना है हमें। ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है? ज्यादा सोचो मत, ये शर्ट लेके जाओ। अंजलि, ये कार्ड किसने दिया? तुम्हारी बुक में से मिला। पापा, वो एक्चुअली मेरी क्लास में एक लड़का है, उसी ने दिया। बेटा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ना, कैरियर बनाओ, इन सब फालतू के चक्कर में मत पड़ो। जी पापा। I'm sorry पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से शानू भी मुसीबत में फंस गया। दीदी, आप कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है ना। तू डर मत शानू, मैं तुझे लेने जरूर आऊंगी। हमें पापा को बता देना चाहिए था, अगर पापा को बता देते तब सही रहता। तू सही कहती थी, तू हमेशा से सही थी, हमें पापा को बिना बताए नहीं आना चाहिए था। I'm sorry, Shani. क्या हम हमेशा के लिए ऐसे ही फंसे रह जाएंगे? हम यहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, मैं तुझे लेने आऊंगी, I promise. आप पर पूरा भरोसा है, आप मुझे लेने आ जाओगे, पर प्लीज थोड़ा जल्दी आओ। अगर मान लो कभी इनहेलर खत्म हो जाए तो पता है आपको क्या करना है? जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करना है, समझे? सांस लेंगे लंबी, अब धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, फिर छोड़ो। भाग कहाँ रही है? क्या चाहिए? आज तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले एक बच्ची हुआ करती थी,
बिल्कुल तुम्हारी तरह शैतान, जिद्दी, एक बार अपने पापा को बिना बताए फिल्म देखने चली गई। पता है उसके पापा ने क्या किया? उसके पापा ने उसे रात को मार के तालाब में फेंक दिया। सिनेमा देखने जाएगी हाँ? मेरे से बिना पूछे बोल। फिर जानती हो उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने हर उस बच्चे को मार दिया जिसने अपने पापा की बात नहीं मानी, अनुशासन तोड़ा। अनुशासन तोड़ने की सजा पता है क्या होती है? मौत। तुमने भी अनुशासन तोड़ा है इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। मुकेश, तुम मार्केट से आ गई? मैं तुम्हें बताने वाला था कि ये लड़की जो है बड़ी बदमाश लड़की है, इसके पापा यहाँ पे छोड़ के गए। पिंकी को मार डाला? तुमने पिंकी को मारा? हमारी बेटी को तुमने मारा? कैसे बाप हो तुम? कैसे जल्लाद हो? तुमने मेरी बेटी को मार दिया। मुझे लग रहा था कि वो गलती से डूब कर मर गई, लेकिन तुमने उसे मारा। मैं सब बता दूंगी, मैं पुलिस को सब बता दूंगी कि तुमने मेरी बेटी को मारा, और अब तुम इस बच्ची को यहाँ पर कैदी बना कर रखी। मैं सब बताऊंगी। प्रथमेश जी अर्पण से मिलने के लिए अंजलि भोपाल गई थी, उसकी फोन चैट से हमें पता चला है। वो दूर जा रही थी तो शायद इसके लिए वो शानू को साथ में लेके गई होगी। तो क्या वो उस लड़के के साथ? वो लड़का नहीं है, वो एक अधेड़ उम्र का है जिसका नाम मदनलाल है। उसकी अक्सर फोन चैट होती थी अंजलि के साथ। योगी अभी पकड़ा गया है, लेकिन उसने अभी कहा है कि वो उस दिन अंजलि से नहीं मिला था। इनफैक्ट उसने आज तक अंजलि को देखा नहीं है, ना ही अंजलि ने उसको देखा है। क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। नार रोड से ये क्रेडिट कार्ड मिला है अंजलि के पिता के नाम का, ये टूटा हुआ फोन और कुछ सामान। उस दिन तुम्हारी गाड़ी नार रोड पे थी ना? मैं कुछ पूछ रहा हूं ना तुमसे? हाँ सर, मैं वहां गया था। एक सवारी को नार रोड से पिक करके हिल रोड के लिए ड्रॉप करना था, मैं उन्हें छोड़ के घर आ गया। आप चाहो तो सर सवारी से पूछ सकते हो। ठीक है, जाओ। और हाँ, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। गिरना नहीं चाहिए। अंकल, मुझे माफ कर दो अंकल, मुझसे गलती हो गई। मेरी बहन शानू, वो कहाँ है? क्या किया आपने उसके साथ? जो उसके साथ किया है वही तो तुम्हारे साथ करना है। हर वो बच्चा जो अपने पिताजी की बात नहीं मानता है उसके साथ वही करना है। अब एक काम करो, अभी से लेके उठक बैठक निकालनी है, और उठक बैठक निकालते वक्त तुम्हें बोलना है अनुशासन जीवन में एकाग्रता बढ़ाता है। क्या बोलोगी? अनुशासन जीवन में एकाग्रता बढ़ाता है। वेरी गुड, स्टार्ट कर। अनुशासन जीवन एकाग्रता बढ़ाता है। Thank you.
ये क्या कर दिया? मुझे मारना नहीं, प्लीज 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 मुझे मत मारना अंकल, मारना नहीं अंकल, प्लीज अंकल, अंकल मारना नहीं अंकल, मैं साफ कर देती हूँ, मुझे मारना नहीं अंकल। सारी सफाई कर दी अंकल, अब तो मैं अपनी बहन से मिल सकती हूँ अंकल। सफाई तो तुमने अच्छी कर दी है, लेकिन अपनी शक्ल देखो, हाँ कितने बिगाड़ लिए। पोछा नीचे रखो। अब ठीक है, मुझे मेरी बहन से मिलवा दो प्लीज। मिलवा देंगे, इतनी जल्दी क्या है? कहाँ है वो लड़कियाँ? क्या किया तुमने उनके साथ? ये बिंदी यहाँ कैसे लग गई? मैंने कहा दोनों बच्चियाँ कहाँ है? कहाँ है वो लड़कियाँ? अब लग रही है ना मेरी प्यारी नीलिमा। मुझे प्लीज बताओ दोनों लड़कियाँ कहाँ पर है? अरे उनको छोड़ो, लो तुम्हारे लिए खाना लाओ, खाना खाओ। चल मुंह खोल, जिद मत कर। नहीं खाना मुझे, मर जाऊंगी लेकिन नहीं खाऊंगी। जिद छोड़, खा ले, खा ले वरना तेरा बच्चा। क्या बिगाड़ा उन मासूमों ने तुम्हारा? अरे मासूम नहीं है वो, बिगड़ी हुई औलादे हैं वो, उन्हें अनुशासन में लाना जरूरी है। और तुम्हें किसने हक दिया उन लड़कियों को सुधारने का? किसने जिम्मेदारी दी? दूसरों की बच्चियों के साथ इतनी ज्यादती करने की जिम्मेदारी तुम्हें किसने दी? जिन बच्चों को उनके बाप अनुशासन नहीं सिखा सकते उन्हें मैं सिखाऊंगा। और तू उनकी फिक्र छोड़, ये पेट में जो पल रहा है ना इसकी फिक्र कर, भूल जाओ उन बच्चियों को। सर। यस सर, एक कोइंसिडेंस है, एक केस आया है। क्या केस आया? एक औरत का फोन आया है, उसका कहना यह है कि उसका अपनी ही बेटी नीलिमा से कई दिनों से बात नहीं हो रही है और उसका दामाद भी उससे बात नहीं करवा रहा है। और ये नीलिमा का हस्बैंड कौन है? सर मुकेश, वही कैब ड्राइवर। हाँ सर, मैं वहाँ गया था, एक सवारी को नाहर रोड से पिक करके हिल रोड के लिए ड्रॉप करना था। हो ना हो इस मुकेश में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इन दोनों घटनाओं के बीच में कुछ कनेक्शन हो सकता है। तुम एक काम करो, इस मुकेश को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ। एक काम और करो, सीहोर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो। सर हाँ हाँ मैं आता हूँ सर। सर 2 घंटे के ऊपर हो गए हैं, ये मुकेश अभी तक नहीं आया और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगता भाग गया। सर शायद वो अपने गैराज पे होगा, क्योंकि उसने कहा था कि वो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करता है। अच्छा, गैराज का एड्रेस पता है? हाँ सर पता है। चलो आज ये केरोसिन छिड़क के मैं तुम दोनों के साथ साथ सारे सबूत मिटा दूंगा। मुकेश को कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मुकेश कभी कोई गलती करता ही नहीं। आज मैं 6ठी बार अपने बाप होने का फर्ज अदा कर रहा हूं। हर वो बच्चा जो अपने मां बाप की बात नहीं मानेगा, उसे झूठ बोलेगा, अनुशासन तोड़ेगा, उसका यही अंजाम होगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे टंगड़ियां लाएगी? मुकेश छोड़ो उसे। हर वो बच्चा
जो अनुशासन तोड़ेगा उसका यही हाल होगा। नहीं समझी? अभी समझा। नहीं, नहीं, जब तक मैं हूँ तुम मुझे नहीं मार सकते। पहले तू ही ले। पकड़ो से। शानू कहाँ है मुकेश? उसे मैंने अनुशासन सिखा दिया, आजाद कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। तूने शानू को क्यों मारा? ये सब मेरी गलती है पापा, ये सब मेरी गलती है। आज मेरी वजह से हमने शानू को खो दिया। कहाँ है वो? वो मैंने सुनसान जगह पे उसकी लाश को फेंक दिया। तुम जैसे निर्मम अपराधी को तो मैं फांसी की सजा की दरख्वास्त करूंगा। ले जाओ इसे। चल बेटा, मैंने जो तुझसे कहा था मैं तेरा दोस्त हूं, काश तू भी मुझे अपना दोस्त मान लेती। शायद आज ये बच्चे माता पिता से अपनी बातें छुपाए, उन्हें बिना बताए मनमानी करे तो कैसी मुसीबत में फंस सकते हैं, ये तो हम सब ने देख ही लिया। लेकिन इस अपराध की असली शुरुआत तो तब हुई जब कार में मुकेश ने अंजलि और शानू को आपस में बात करते सुना और भाप लिया कि वो दोनों अकेली हैं। किसी भी अनजान इंसान के सामने बात करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कहीं हम अनजाने में किसी अपराधी तक कोई ऐसी बात तो नहीं पहुंचा रहे हैं जो हमारे साथ किसी अप्रिय घटना का कारण बन जाए। अपने बच्चों को ये बात जरूर समझाइए और साथ साथ ये भी कि फोन पर किसी अनजान इंसान से बात करने से पहले उसके बारे में और उसके इरादों के बारे में अच्छे से जान ले। अंजलि की एक ना समझ ने शानू की जान ले ली। बच्चों को हमेशा अपने माता पिता को सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन जरूरी ये भी है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के दोस्त बने, तभी तो झिझक और डर की दीवार टूटेगी। मुकेश जैसे मानसिक तौर पर विक्षिप्त लोग अक्सर दोहरा चरित्र जीते हैं। बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी सनक और जहर को पालते हैं जो वक्त के साथ साथ एक बड़े अपराध का रूप ले लेता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें पहचाने, इनसे सतर्क रहे और शंका होने पर इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी करें। हमारी सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। कल मिलूंगी जुर्म की एक सनसनीखेज नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।